वेलकम टू इंफिनिटी एजुकेशन। और आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपसे, आप मैट्रिसेस गिवन है, आप इनका क्या निकाले, ट्रांसपोज निकाले। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट, ए मैट्रिक्स गिवन अपने को कुछ ऐसे 5, 1/2 एंड -1। हमें इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं बच्चों, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू इसकी कॉलम को क्या बना देंगे, रो बना देंगे। ऐसे करते हैं हम ट्रांसपोज। तो क्या आ गया आपका ए ट्रांसपोज। देखो सेकंड पार्ट में आपको मैट्रिक्स भी बना है, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये की बना आपको 1, 2, -1, 3। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालोगे बच्चे बताओ मेरे को। फर्स्ट कॉलम को किसमें कन्वर्ट करते, देखो फर्स्ट रो में तो आ गया 1, 2। और सेकंड रो को किसमें कन्वर्ट कर दे, सेकंड कॉलम को किसमें कन्वर्ट कर दे, सेकंड रो में। तो ये क्या निकल गया आपका ए ट्रांसपोज। अच्छा ए ट्रांसपोज को ना एनसीईआरटी वाला ऐसे भी डिनोट करता है, देखो कंफ्यूज मत होना। ए डैश से किससे भी डिनोट करता है, ए डैश से। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों थर्ड कहता है आपका ए मैट्रिक्स है कुछ ऐसे, ए इज ये आपका -1√3, 2 आ गया आपका 5, 5, 3 6, 6, -1। देखो इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। इसको कैसे करेंगे हम, फर्स्ट कॉलम को किसमें कन्वर्ट कर दें, फर्स्ट रो में। ए ट्रांसपोज अगर हम लिखे तो कैसा आएगा ये बताओ, -1√3, 2। सेकेंड कॉलम को किसमें कन्वर्ट कर दें, सेकेंड रो में, तो 5, 5, 3। और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। तो ये क्या आ गया आपका ए ट्रांसपोज आ गया। सब बच्चों के वाली बात समझ आई, क्वेश्चन समझ आया। देखो सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में अपने को दो मैट्रिसेस गिवन है, सेकेंड क्वेश्चन में अपने को दो मैट्रिसेस गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ये आपकी -1, 5, -2 ये 2, 7, 1 ये आपकी 3, 9, 1। और बी मैट्रिक्स गिवन है देखो अपने को, ये गिवन अपने को -4, 1, 1 फिर गिवन अपने को 1, 2, 3 और फिर -5, 0, 1। कहता है आपसे फर्स्ट पार्ट आप प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हमें प्रूफ करना है। तो देखो पहले a प्लस बी निकाल ले क्या अपन। तो बच्चों बताओ a प्लस बी किसके इक्वल आएगा अपना, -1 में -4 ऐड करोगे तो -5, 2 में 1 ऐड करोगे तो -3, 3 में -5 ऐड करोगे तो -2, 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 एंड 7 में 2 ऐड करोगे तो 9 और 9 में 0 ऐड करोगे तो 9। -2 में 1 ऐड करा -1, 1 में 3 ऐड करा 4 और 1 में 1 ऐड करा 2। ये क्या आ गया अपना a प्लस बी। अच्छा अब इसका क्या भी लेना है अपने को, ट्रांसपोज लेना है ना। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों बताओ, फर्स्ट कॉलम किसमें कन्वर्ट कर दोगे आप, फर्स्ट रो में, तो -5, 6, -1 देन जाएगा आपका 3, 9, 4 देन -2, 9, 2। ये क्या आ गया आपका a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखो हम a ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, यहां से a ट्रांसपोज आएगा आपका ये हो गया -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1। ये क्या आ गया बच्चों आपका a ट्रांसपोज। अच्छा b ट्रांसपोज कितना आएगा देखो, b का ट्रांसपोज करोगे तो -4, 1, 1 ये आ गया 1, 2, 3 देन -5, 0, 1। अब इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें क्या। देखो दोनों को ऐड करोगे
तो तीसरी मैट्रिक्स क्या आएगी आपकी, माइनस वन में माइनस फोर ऐड करा माइनस फाइव, फाइव में वन ऐड करा कितना सिक्स, माइनस टू में वन ऐड करा कितना माइनस वन, टू में वन ऐड करा कितना थ्री, सेवन में टू नाइन, वन में थ्री फोर, थ्री में ऐड करा माइनस फाइव तो माइनस टू, नाइन में जीरो ऐड करा तो नाइन, और वन में वन ऐड करा तो टू। चेक करो क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्या, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है सेम, तो हम बात बोलेंगे ये बात क्या होती है आपकी ट्रू होती है। जो इन्हीं मैट्रिक्स पे सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट अपने को कहता है, अब आप ये वाली बात प्रूफ करके दिखाओ। देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है आप प्रूफ करें ए माइनस बी का ट्रांसपोज। क्या प्रूफ करना है बच्चों, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है आपका ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है अपने को। सबसे पहले ए माइनस बी निकाल ले क्या, देखो ए माइनस बी क्या आएगा बच्चों, ए में से बी को क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट, माइनस वन में से माइनस फोर सब्ट्रैक्ट करा तो कितना थ्री, टू में से वन सब्ट्रैक्ट करा तो वन, थ्री में से माइनस फाइव सब्ट्रैक्ट करा तो एट, फाइव में से वन सब्ट्रैक्ट करा तो बच्चों फोर, सेवन में से टू सब्ट्रैक्ट करा तो फाइव, नाइन में से जीरो सब्ट्रैक्ट करा तो नाइन, माइनस टू में से माइनस वन सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया ये थ्री, माइनस का वन में से थ्री सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस टू, और वन में से वन सब्ट्रैक्ट करा तो जीरो, यही आएगा। अब इसका क्या ले ले बच्चों, ट्रांसपोज ले ले क्या, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज देखो किसके इक्वल आया आपका, थ्री फोर माइनस थ्री वन, फाइव माइनस टू देन एट नाइन जीरो, ये क्या आ गया आपका ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, देखो ए ट्रांसपोज लिखते हैं पहले, करो इसको ट्रांसपोज क्या आएगा माइनस वन फाइव माइनस टू एंड टू सेवन वन एंड थ्री नाइन वन, यही आएगा ना। फिर क्या करें बी का ट्रांसपोज करें क्या, तो बी का ट्रांसपोज देखो किसके इक्वल आएगा बच्चों, माइनस फोर वन वन देन वन टू थ्री देन माइनस फाइव जीरो वन। अच्छा अब ए ट्रांसपोज में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, बी ट्रांसपोज को, तो देखो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस वन में से माइनस फोर गया तो प्लस थ्री, फाइव में से वन गया तो फोर, माइनस टू में से वन गया तो माइनस थ्री, देन टू में से वन गया तो वन, सेवन में से टू गया तो फाइव, वन में से थ्री गया तो माइनस टू, तीन में से पांच गया तो माइनस का तो हो गया आठ, नौ में से जीरो गया तो नौ, और एक में से एक गया तो जीरो। क्या चेक करो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्या, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड में भी ऐसा ही वेरीफाई करना है, थर्ड भी क्या करना है आपको ऐसी वेरीफाई करना। देखो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं अपन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या था अपने से, मैट्रिक्स ए इज दिस। अच्छा इस बारी जो है अपने पास गड़बड़ काम है, कहता है ए मैट्रिक्स नहीं गिवन, इस बारी ए का ट्रांसपोज गिवन है। क्या गिवन आपको, ए का ट्रांसपोज, तो गिवन है थ्री माइनस वन जीरो, फिर गिवन आपको फोर टू वन, और जो बी मैट्रिक्स गिवन आपको वो गिवन है कुछ ऐसे माइनस वन वन, फिर गिवन आपको टू टू देन वन थ्री, और हमें प्रूफ करना है। देखो फिर से वो जो बातें प्रूफ करनी है, फर्स्ट बात प्रूफ करनी है अपने को कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो यहां पे देखना हमें ये ए ट्रांसपोज गिवन है, इसका एक और बारी ट्रांसपोज ले लेंगे तो मैट्रिक्स ए आ जाएगा क्या, मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास, इसका ट्रांसपोज लो थ्री माइनस वन जीरो फोर टू वन, ये क्या आ जाएगा एक मैट्रिक्स आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, ए को ऐड करना है किसमें, बी में, तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं। देखो माइनस वन में थ्री ऐड करा टू,
टू में माइनस वन ऐड करा वन, वन में जीरो ऐड करा वन, देन वन में फोर ऐड करा कितना फाइव, टू में टू ऐड करा फोर और थ्री में वन ऐड करा फोर, ये क्या आ गया आपका ए प्लस बी आ गया। अब क्या निकालेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो देखो ट्रांसपोज क्या जाएगा इसका टू फाइव वन फोर देन वन फोर, यही आएगा ना ट्रांसपोज। अब हमें ए ट्रांसपोज तो मालूम है, बी का भी क्या ले लें ट्रांसपोज ले ले क्या, तो बी ट्रांसपोज कितना जाएगा बताना बच्चों मेरे को जरा, माइनस वन वन देन टू टू देन वन थ्री। अच्छा ए के ट्रांसपोज में किसको ऐड करोगे आप, बी के ट्रांसपोज को, देखो क्या मैट्रिक्स आएगी अपनी, ऐड करो थ्री में माइनस वन ऐड करा कितना टू, फोर में वन ऐड करा कितना फाइव, माइनस वन में टू ऐड करा कितना वन, टू में टू ऐड करा कितना फोर, देन जीरो में वन ऐड करा वन और देन वन में थ्री ऐड करा फोर। चेक करो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इक्वल है ना, देखो बच्चों तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है अपने को कि जो ए माइनस बी का ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो इसको भी देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे हम, ए माइनस बी क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों इस बारी ए माइनस बी, तो देखो ए माइनस बी क्या आएगा आपका, तीन में से माइनस एक गया तो कितना चार, माइनस एक में से दो गया तो माइनस तीन और जीरो में से एक गया तो माइनस एक, चार में से एक गया तो तीन, दो में से दो गया जीरो और एक में से तीन गया तो माइनस दो। अब इसका क्या लोगे यहाँ पे ट्रांसपोज लोगे ना, देखो ट्रांसपोज क्या आएगा बताओ मेरे को जल्दी से, कितना जाएगा फोर थ्री माइनस थ्री जीरो माइनस वन एंड माइनस टू, यही हो जाएगा ट्रांसपोज। अब ये बी ट्रांसपोज हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो अब देखो गिवन है यहाँ पे, तो ए ट्रांसपोज कितना ये थ्री में से माइनस वन गया तो कितना फोर, फोर में से वन गया तो कितना थ्री, माइनस वन में से माइनस टू गया तो माइनस थ्री, टू में से टू गया तो कितना जीरो, जीरो में से वन गया तो माइनस वन और वन में से थ्री गया तो माइनस टू। चेक करो क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्या, देखो फिर से हमने बात क्या कर दी प्रूफ कर दी। तो ये तीन क्वेश्चन सब बच्चों को समझ आया आज के, देन डू कमेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।